प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संत श्री आसाराम बापू आश्रम बिलौदी दुर्ग में लगभग 500 परिवारों को त्योहार मनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों का निःशुल्क वितरण किया गया। अखिल भारतीय श्री योग वेदांत सेवा समिति भिलाई दुर्ग के तत्वावधान में संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम बिलौदी दुर्ग में बापू जी के पावन प्रेरणा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आश्रम बिलौदी में दीपावली के निमित्त बिलौदी गांव के अलावा आसपास के गरीब जरूरतमंद 500 परिवारों को मिठाई, गर्म कपड़े, साड़ी, चप्पल, पैंट शर्ट, दिया, तेल, बाल्टी, बर्तन और नूतन वर्ष की बापू जी के श्री चित्र वाली 2023 की कैलेंडर वितरित किए गए और साथ ही कुछ धनराशि भी दी गई। बच्चों को नए कपड़ों के साथ नोटबुक भी दिया गया। समिति के अध्यक्ष चंद्र चंद्राकर ने बताया कि संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से देश भर के 450 समिति, युवा सेवा संघ, बाल संस्कार, महिला उत्थान मंडल इस पुनित सेवा कार्य को हर वर्ष करते हैं और इस दीपावली में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बिलौदी आश्रम में यह आयोजन किया गया। हमारे पूज्य गुरुदेव ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि दीपावली अपने घर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, समाज में सेवा भाव की दृष्टि से यह कार्य भी करना चाहिए। सभी को तन मन धन से सेवा करनी चाहिए और ऐसे में सभी को सहयोगी बनना चाहिए। विधान सेवा समिति बिलौदी दुर्ग संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 अक्टूबर दिन रविवार को दीपावली के निमित्त 500 परिवारों को दैनिक वस्तुएं, जो हमारी दैनिक जो जरूरत के सामान है, जरूरतमंद लोगों में सहाय गरीब तत्व के लोगों को कपड़े, बर्तन, चावल, थाली, दीपक, बाती, तेल, जो जरूरत की जो वस्तुएं हैं दीपावली के लिए वितरण किया जाता है और इस वर्ष भी किया जा रहा है, ताकि लोग अपनी दिवाली को अच्छे से मनाएं, शुभ दीपावली अपने जीवन को लोग उन्नत बनाएं, संस्कारवान बनाएं। आयोजन में भगवान भजन की मोहक प्रस्तुतियां भी दी गई, साथ ही ऋषि प्रसाद का वितरण भी उपस्थित जन समुदाय में किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।